back to our channel Online School. Today we are going to learn a lesson from My English Book 6 for Standard 6. Unit 3.2 The Magic Herb. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर आप लोगों को जो पेज नज़र आ रहा है इस पर कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग लिखे हुए हैं या आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप उसमें भी देखकर लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पर वो पढ़ लेती हूँ ताकि आपके प्रोनंसिएशन सही हो जाए और आपको वो वर्ड्स अच्छी तरह से पढ़ने आ सके. तो फर्स्ट है इन, आई डबल एन इन, इसके मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्मॉल होटल, एक छोटे होटल को इन कहते हैं. सेकेंड है बेगरली, बेगरली मीन्स लाइक अ बेगर, वेरी पुअर, जो जिसे हम भिखारी कहते हैं तो उसे इंग्लिश में बेगर कहते हैं. तो वेरी पुअर, बहुत गरीब इंसान को बेगर कहा गया है. थर्ड वन इज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी गुड्स फॉर सेल, बेचने के लिए जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसे मर्चेंडाइज कहते हैं. थिंग्स दैट अ मर्चेंट सेल्स, यानी बेचने के लिए खरीदा गया माल. थर्ड है अफोर्ड, अफोर्ड के मीनिंग हैव इनफ मनी फॉर समथिंग, यानी कुछ चीज़ हमारे पास वो चीज़ खरीदने के लिए उतने पैसे होने ज़रूरी है, अफोर्ड करना वो चीज़ हमारी हैसियत के मुताबिक होना, कुछ चीज़ कि हम ये चीज़ अफोर्ड करते हैं, हम ये ख़रीद सकते हैं, हमारी हैसियत है ख़रीदने की. तो इस तरह से इसके मीनिंग होते हैं हैव इनफ मनी फॉर समथिंग. अगला है रेपुटेशन, यानी पीपल्स ओपिनियन, व्हाट दे थिंक समवन समथिंग इज़ लाइक, यानी किसका क्या रेपुटेशन क्या है उनका, जैसे हम कहते हैं कि इनकी हैसियत क्या है. रेपुटेशन मीनिंग मीन्स किसी की इज्जत कितनी है समाज में या उसकी प्रतिष्ठा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. अगला है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मीन्स डाउट समथिंग, थिंक दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी किसी पर कुछ चीज़ का डाउट होता है तो उसे सस्पेक्ट कहते हैं, यानी ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत है यहाँ पर, कोई डाउट करते हैं, शक करना, तो उसे सस्पेक्ट कहेंगे. अब यहाँ पर पॉइंटर्स देखते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, हु वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन, उस छोटे से होटल के दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा था, कौन खटखटा रहा था. तो इसका जवाब है अ पुअर मर्चेंट वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन, एक गरीब ताजिर जो था वो नॉकिंग कर रहा था. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द इनकीपर नॉट प्लेस्ड, वो जो इनकीपर था, इनका जो मालिक था होटल का, वो क्यों खुश नहीं था. तो इसका जवाब लिखना होगा द इनकीपर वॉज नॉट प्लेस्ड बिकॉज द मर्चेंट लुक्ड बेगरली एंड पुअर. तो इसके मानी है कि वो इनकीपर इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो जो मर्चेंट था, वो जो ताजिर था, वो बहुत बेगरली लग रहा था, पुअर, गरीब और भिखारी जैसा लग रहा था, इसलिए वो इनकीपर खुश नहीं था. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मर्चेंट रिक्वेस्ट, उस मर्चेंट ने क्या रिक्वेस्ट की, क्या इल्तिजा की. तो उसका आंसर है द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द इनकीपर टू प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर हिम, उसने उस इनकीपर से रिक्वेस्ट की मर्चेंट ने कि मेरे लिए बिल्कुल सादा खाना पकाए. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द इनकीपर नॉट ड्राइव द मर्चेंट अवे, इसका मतलब है कि उस इनकीपर ने उस मर्चेंट को वापस क्यों नहीं लौटाया. तो इसका जवाब लिखना होगा द इनकीपर डिड नॉट ड्राइव द मर्चेंट अवे बिकॉज इट वॉज नॉट गुड फॉर देयर रिप्यूटेशन, कि वो उसकी जो रिप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उसे वापस नहीं लौटाया, उसकी रिप्यूटेशन ख़राब हो गई होती. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ मैजिक हर्ब, उस मैजिक हर्ब की वो जो जादुई बूटी थी उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसकी खुसूसियत क्या थी, उसकी खूबी क्या थी. तो उसका आंसर लिखना होगा द स्पेशलिटी ऑफ मैजिक हर्ब वॉज दैट हूएवर एट दैट हर्ब वुड फॉरगेट समथिंग, यानी जो कोई भी वो हर्ब खा लेता था तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाता था. अब सिक्स्थ है व्हाट डिड द मर्चेंट फॉरगेट, वो मर्चेंट क्या भूल गया. तो उसका जवाब है द मर्चेंट फॉरगॉट टू पे फॉर द डिनर ही एट एंड हिज स्टे एट द इन, मर्चेंट क्या भूल गया था, तो वो जो डिनर उसने खाया था रात में और वहाँ पर रुका था उस इन में, उस सराय में, तो उसका बिल देना वो भूल गया था, डिनर का भी और वहाँ पर ठहरने का भी जो बिल था वो पे करना, वो देना भूल गया था. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ओरल वर्क है, फॉर्म ग्रुप्स
convert the story into a play, read your play aloud. तो ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, इसको एक प्ले में कन्वर्ट करना होगा आप लोगों को, मतलब एक ड्रामाई अंदाज में इसे पेश करना होगा और उस प्ले को पढ़ना है, मतलब अदा करना होगा अपनी क्लास में. तो ये ओरल वर्क है, इसे लिखना नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. डिस्क्राइब द मर्चेंट एंड द इनकीपर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी एंड यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन. मतलब कहानी की मदद से और अपने तखयल के सहारे, मतलब ख्यालात के जरिए सौदागर और सराय वाले को बयान कीजिए कि आपको क्या लगता है कि मर्चेंट और इनकीपर का कैरेक्टर कैसा था. पहले मर्चेंट के बारे में लिखेंगे. द मर्चेंट, ही वॉज अ पुअर मर्चेंट. वो एक गरीब ताजिर था. ही वॉर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लोथ बैग ऑन हिज बैक फॉर हिज गुड. उसने सिंपल कपड़े पहने हुए थे, सादा लिबास पहना हुआ था और एक सिर्फ कपड़े की बैग थी के पास और वो उसने अपने पीठ पर सामान से भरकर लगाई हुई थी. ही हिमसेल्फ कैरिड हिज लोड ऑफ गुड्स. उसने अपने आप ही अपना बोझ उठाया हुआ था. बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू कीप अ सर्वेंट. वो किसी सर्वेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता था, मतलब वो अपने पास कोई नौकर रखने की हैसियत नहीं थी. ही कुड नॉट अफोर्ड अ गुड मील बिकॉज ही अर्न लिटिल मनी. वो अच्छा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे. The merchant was tired, वो थका हुआ था and had no energy to walk back to his village. और अपने देहात तक जाने के लिए, अपने गांव तक वापस जाने के लिए उसके पास अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, ताकत नहीं, कुवत नहीं थी. So he had come to that inn for rest and a simple meal. इसीलिए वो उस इन में आया था कि वो रात भर वहाँ रुक सके और सादा खाना खा सके. अब ये मर्चेंट का कैरेक्टर हो गया. अब हम इनकीपर का कैरेक्टर देखेंगे. द इनकीपर वॉज वेरी ग्रीडी. बहुत लालची इंसान था. ही वॉज अनकाइंड टू. वो बिल्कुल बेरहम था. ही एडेड द मैजिक हर्ब टू द मर्चेंट्स मील टू मेक हिम फॉरगेट हिज मर्चेंडाइज इन हिज इन. उस इनकीपर ने उस मर्चेंट के खाने में वो जो मैजिक हर्ब थी वो मिला दी थी ताकि वो अपना सारा मर्चेंडाइज जो है, वो सामान जो तिजारत का सामान है, वो वहीं पर उस इन में भूल कर चला जाए. इसलिए उसने मैजिक हर्ब उसमें मिला दी. हिज प्लान फेल्ड बिकॉज द मर्चेंट डिड नॉट फॉरगेट एनीथिंग देयर एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ हिज मील एंड हिज स्टे एट द इन. लेकिन उसका जो प्लान था वो फेल हो चुका था क्योंकि जब मर्चेंट सुबह उठा और वो वहाँ से इन से जाने लगा तो वो अपना सामान वहाँ पर नहीं भूला, उसके बजाय वो अपना पेमेंट देना भूल गया. उसने जो रात में वहाँ पर रुका और खाना खाया था, उन दोनों चीज़ों का पेमेंट देना ही वो भूल गया था. द इनकीपर लर्नड हिज लेसन एंड नेवर यूज द मैजिक हर्ब अगेन. और उस दिन उस इनकीपर को, सराय के मालिक को, एक सबक मिल गया और उसके बाद से उसने उस मैजिक हर्ब का कभी भी यूज़ नहीं किया, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. द के इन नॉक इज साइलेंट. इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड. राइट टू अदर वर्ड्स विद अ साइलेंट के. नॉक में के जो है वो साइलेंट है. पहला वाला के हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ नॉक पढ़ा उसको. तो इसी तरह से और दो वर्ड्स हमें लिखने हैं. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दो वर्ड्स लिखे हैं. आप और भी वर्ड्स वहाँ पर इसके अलावा लिख सकते हैं. तो मैंने पहला लिखा हुआ है, इसका आंसर है नंबर 1 नो. इसे कनो नहीं, नो पढ़ना है, के साइलेंट है. और सेकंड वाला है मी. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें हमें साइलेंट लेटर्स ढूंढ कर उसे अंडरलाइन करना है. तो देखते हैं किस वर्ड में कौन सा साइलेंट लेटर है. तो सबसे पहला वर्ड है राइट. अब इसे मैंने राइट पढ़ा, इसका मतलब इसमें W साइलेंट है. उसके जो नीचे है वो है सीजर्स. सीजर्स में सी साइलेंट है क्योंकि हमने उसको स्कीजर्स नहीं बल्कि सीजर्स पढ़ा. उसके बाद उसके नीचे है रिस्ट. रिस्ट में W साइलेंट है. नेक्स्ट वन लिसन. अब यहाँ पर T साइलेंट है, लिसन पढ़ते हैं इसको. राइट, जो दूसरा राइट है इसमें G साइलेंट है. उसके नीचे पिक्चर. पिक्चर में टी साइलेंट है. उसके बाद पाम. पाम में एल साइलेंट है. राइम. राइम में एच साइलेंट है. स्कूल. स्कूल में भी एच साइलेंट है. एंड आवर. आवर में भी एच साइलेंट है. तो ये जो है
इस तरह से आप लोगों को साइलेंट लेटर्स को अंडरलाइन करना होगा। तो ये हमें कुछ बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ। डोंट से डैडी, वन डी इज साइलेंट, मतलब जब हम डैडी कहेंगे तो डैडी नहीं बल्कि डैडी कहना है, सिर्फ एक ही डी पढ़ना है। लिखते हैं दो लेकिन पढ़ते हैं एक। सेकेंड वाला सेंटेंस है, डोंट से बिट्टू, द अदर टी इन बिट्टू इज नॉट साइलेंट। अब यहाँ पर बिट्टू लिखा हुआ है, इसमें डबल टी है, तो ये दोनों भी टी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये जो टी साइलेंट नहीं है कोई भी टी। अब नीचे है वॉच कैच, इसमें भी टी टी साइलेंट है। और इधर है वॉक टॉक, दोनों में भी एल साइलेंट है। और डॉज बैच, इसमें डी साइलेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रीड What the following characters are telling you now? यहाँ पर कुछ sentences दिए हुए हैं और वो जो sentences हैं इसी book के characters ने कहे हुए हैं, तो वो sentence हमें read करने हैं और ये characters हमसे क्या कह रहे हैं हमें देखना है। और उसके बाद ये जो side में ये जो table दिया हुआ है इसी में हम लोगों को ये characters लिखने हैं। आपकी book में शायद ये activity है लेकिन मैं इसको यहाँ पर explain कर देती हूँ। तो first sentence है, I am a wild boar. I live in this jungle. I sharpened my tusks yesterday. Now I am ready. I will drive my enemies away. ये जो कहा हुआ जो जुमला है इसमें छोटे छोटे sentences हैं, तो इसको हमें पहचानना है कि ये किस टेंस में है, इसका जो एक्शन ये काम हुआ है ये पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वाइल्ड बोर, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमें प्रेजेंट के कॉलम में लिखना होगा। ये जो टेबल है इसका नाम है टाइमलाइन, तो टाइमलाइन में हम लोगों को ये सेंटेंसेस लिखने होंगे लेकिन प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में। सेकंड वाला है आई लिव इन दिस जंगल, ये भी प्रेजेंट टेंस का है। आई शार्पन माई टस्क यस्टरडे, अब ये यस्टरडे जो कल गुजर चुका है उसे कहते हैं और यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, इससे हमें समझ रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमें ये पास्ट के कॉलम में लिखना होगा। नाउ आई एम रेडी, ये प्रेजेंट का है। और आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे, ये यहाँ पर विल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हमें इसे फ्यूचर के कॉलम में लिखना होगा। सेकेंड वाला है, हाई आई एम नूजो, लास्ट वीक माई टीचर आस्क अस टू डू अ प्रोजेक्ट। I will visit planet Earth for my project. I live on a far away planet. तो ये नूजो क्या कह रहा है, देखो I am नूजो, मैं नूजो हूँ। और ये I am, hi I am नूजो, ये present tense का sentence है। Last week my teacher asked us to do a project. तो ये past tense हुआ। I will visit planet Earth for my project. ये future tense का sentence है। And I live on a far away planet. ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हमें टाइमलाइन में अलग अलग करके इसे लिखना है। सी वाला है, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज माय फ्रेंड फॉक्स, वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, आई टॉट हिम अ लेसन, नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स ये प्रेजेंट में लिखना होगा, दिस इज माय फ्रेंड ये भी प्रेजेंट है, दिस इज माय फ्रेंड फॉक्स ये भी प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा, वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, ये यहाँ पर देखो वर्ब को ईडी लगा हुआ है इसलिए हमें ये सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखना होगा। आई टॉट हिम अ लेसन, टीच का पास्ट टेंस है टॉट, तो ये भी हमें पास्ट टेंस में लिखना होगा। नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ, और विल आया इसलिए हमें इसे फ्यूचर में लिखना होगा। और डी है, वी हैव एन इन इन जापान, वी ट्राइड टू यूज अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट, वी विल नेवर यूज द मैजिक हर्ब अगेन। यहाँ पर जो वी हैव एन इन इन जापान ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसे प्रेजेंट में लिखना होगा। वी ट्राइड टू यूज अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट, इसमें ईडी लगा हुआ है वर्ब को ट्राइड, इसलिए इसे पास्ट टेंस में लिखना होगा। और वी विल नेवर यूज द मैजिक हर्ब अगेन, तो विल लगा हुआ है इसलिए हमें इसे फ्यूचर टेंस में लिखना होगा। और इस तरह से यहाँ पर टाइमलाइन के जो सेंटेंसेस हैं हमें कंप्लीट करने होंगे। ये ऑलरेडी कंप्लीट है लेकिन आपको अपने बुक में से समझ कर लिखना होगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।